करिए महापुरख संत बाबा ज्ञानी अवतार सिंह जी बदनी कलां वाले हाजरी भरे उन्होंने सत्कार है जकारा बुलाइए जकारा बुलावे निहाल हो जावे सत श्री अकाल। साहेब जी जन्म मरण दोहूं मैं नाहीं जान पर उपकारी आए जी दान दे भगति लाइन हर स्यों लैन मिलाए सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थिया राम जो हर दासन की उस्तत है सा हर की वडियाई हरे अपने वडियाई पावंदी जन का जयकार कराई हरे अपने वडियाई पावंदी जन का जयकार कराई परम सम्मान योग गुरु खालसा सतसंगत जीओ प्यार सत्कार सहित सतगुरु दी फतेह प्रवान करो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप संगतां युगो युग अटल सतगुरु चवर तखत शतर दे मालक दसो पातशाहियां दी पवित्र जोत जहरा जहूर हाजरा हजूर सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पावन चरणां दे विच हाजरियां भर रहे हो। ये अस्थान ये नगर भागां वाला है जिस नगर दे विच गुरु दे महान सूरबीर योधे अति सत्कार योग बाबा बिधि चंद जी ने आगमन किया है। बाबा बिधि चंद जी ओ महान गुरु घर दे सेवादार सन जिन्हां ने बेअंत गुरु घर की सेवा की ते मेरी पीरी दे मालक पंज प्याले पंज पीर छठ पीर बैठा गुर भारी अर्जन काया पलटकै मूरत हर गोबिंद सवारी धन धन श्री गुरु हरगोबिंद साहब महाराज तों खुशियां भी प्राप्त कीतियां। बिधि चंद शीना गुरु का सीना बाबा बिधि चंद जी गुरु दा सीना गुरु दा हिरदा गुरु दा दिल गुरु दी आत्मा गुरु दी समीर गुरु दी जमीर उन्हां नूं कह सकदे हां। ऐसा वरदान प्राप्त करना ये कोई छोटी मोटी गल नहीं है।
उस बाबा बिधी चंद जी की बिंदी बंस विचों सत्कार जो पंथ की महान शख्सियत माया नाज हस्ती श्रीमान संत बाबा सोहन सिंह जी उन्होंने सचखंड वासी पंथ रतन श्रीमान संत ज्ञानी गुरबचन सिंह जी दे नाल ऐसा अथाह प्यार किया। दास ने पहला भी जिक्र किया सी जदों कलगीधर पातशाह हक हक आंदेश गुरु गोबिंद सिंह बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह हजूर दा 300 साल प्रकाश पुरब पटने की धरती तख्त श्री हरिमंदर साहिब जी विखे मनाया गया। उस वेले सत्कार जो संत बाबा सोहन सिंह जी दल पंथ बाबा बिधी चंद जी के मुखी उन्होंने महापुरखों के नाल बचन बिलास किए ते महापुरखों ने उस वेले बाबा जी नूं बचन किया सी असी हुण अपने सेवादार गड़वई भाई करतार सिंह जी महापुरख संत बाबा करतार सिंह जी नूं सेवा सौंपण लगे हाँ। तुसीं ख्याल रखना ते सत्कारयोग बाबा सोहन सिंह जी ने उन्हां महापुरखां दे बचनां नूं पूरा पहरा दे के ते उन्हां बचनां नूं सिर मत्थे ते प्रवान ही नहीं कीता ते नेपरे भी चढ़ाया सी। उन्हां दी अंश बंश बाबा दया सिंह जी जिन्हां दी 47वीं बरसी आपां मना रहे हाँ उन्हां ते अकाल पुरख वाहिगुरु दी अथाह बख्शिश सी। हुण उन्हां तों वरोसाए होए उन्हां दी अंश बंस अति सत्कारयोग पंथ दी महान शख्सियत बाबा अवतार सिंह जी इस वेले इस दल पंथ दी अगवाई कर रहे हन। समूह संगतां नूं सिक्खी दी सेध प्रदान कर रहे हन। मैं समझदा हाँ इस संप्रदाय दल पंथ बाबा बिधी चंद जी का पंथ में जो महान सन्मान ते सत्कार बनिया होया है एक अपनी मिसाल हैं। हुण इस अस्थान के उत्ते करीब करीब जिन्हिया भी निहंग सिंह जथेबंदियां ने श्रोमणी अकाली दल श्रोमणी पंथ बुढ़ा दल के जथेदार बाबा बलबीर सिंह जी भी स्टेज पर शोभित हैं। होर बेअंत जथेबंदियों के मुखी नुमाइंदे वह भी उन्होंने प्यार का सदका आए ने। श्रोमणी कमेटी के प्रधान तख्त साहबाना के जथेदार दमदमी टकसाल के विद्यार्थी महापुरख वह भी सारे हाजरियां भर रहे ने। इतों पता लगता है कि इन्हां महापुरखों का सारिया पंथक जथेबंदियों नाल ही बहुत डूंघा प्यार है। इन्हां दा संदेश भी यही है होए अकतर मिलोह मेरे भाई दुबदा दूर करहो लिव लाए हर नामे कई होवो हो जोड़ी गुरमुख बैसहो सफां बछाए। महापुरखों नूं सच्ची सुची श्रद्धांजलि यही है कि आपां उन्हां महापुरखों के बचनां नूं मनीए। जे को बचन कमावै संतन का सो गुर प्रसादी तरीए। महापुरखों वालों एक गुरु की आग्ञा नूं संगतां विच प्रचारिया जांदा है। हर गुरसिख माई भाई नूं खंडे बाटे का अमृत छक के कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी के सपुत्र सपुत्रियां बनना चाहीदा है। अज इत्थे महान अमर संचार हो रहा है। दास सानमर बेनती करेगा जिन्हें भी सिंह ते कौर शब्द वाले माई पाई इत्थे आए ने जे तुसां खंडे बाटे का अमृत पान किया होया तुसी धनता योग हो वधाई दे पात्र हो। जिन्हां ने नहीं छकिया
ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜ੍ਹੋ। ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਕਹਿਣੀ ਅਤੇ ਸਹਿਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਰਹਿਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਹਿਣੀ ਰਹੇ ਸੋਈ ਸਿੱਖ ਮੀਰਾ, ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉਸਕਾ ਚੀਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਹਿਤ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਸਿੱਖ ਕਹਾਵੈ, ਰਹਿਤ ਬਿਨਾਂ ਦਰ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੈ, ਰਹਿਤ ਬਿਨਾਂ ਸੋ ਕਬਹੂ ਨਾ ਲਹਿ, ਤਾਂ ਤੇ ਰਹਿਤ ਸੁਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਰਹੇ। ਬਾਣਾ ਬਾਣੀ ਖੰਭ ਪਛਾਨੋ, ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪੰਛੀ ਜਾਨੋ, ਉੜ ਜਹਿ ਗੁਰਪੁਰੀ ਸਦਹਿ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਭੇਦਨਾ ਰੰਚਕ ਪਹਿ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬੇਅੰਤ ਪੰਥਕ ਹਸਤੀਆਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ, ਸਭ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਦਾਸ ਦਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਦਲ ਪੰਥ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਾਸ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਲਈ ਖਿਮਾ, ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਦਨੀ ਕਲਾਂ ਵਾਲੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗਿਆਨੀ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਸੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ।